विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 372 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ विराट के नाम एकदम अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड जुड़ गया है। विराट कोहली दरअसल दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में कम 50 जीत में शामिल रहे। विराट खिलाड़ी के तौर पर 50 टेस्ट, 153 वनडे इंटरनेशनल और 59 टी20 अंतर्राष्ट्रीय जीत चुके हैं। विराट के अलावा दुनिया का कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 जीत देख पाया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से सीरीज अपने नाम की। पहला टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला गया था जो ड्रॉ पर छूटा था। कानपुर टेस्ट में विराट की गैरमौजूदगी में रहाणे ने टीम की कमान संभाली थी। मुंबई टेस्ट के साथ विराट ने टीम में वापसी की और टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। ये मैच बल्लेबाज के तौर पर हालांकि विराट के लिए कुछ खास नहीं रहा। पहली पारी में विराट 0 पर आउट हुए जबकि दूसरी पारी में 36 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। रनों के लिहाज से ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के बाद से टी20 टीम की कप्तानी छोड़ चुके हैं जबकि टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान वो बने हुए हैं। भारत को सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होना है। ऐसे में ये देखना होगा कि अब विराट कोहली आने वाले समय में और क्या नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लेकिन टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन ये बात तो दर्शाता है कि विराट कोहली ने बतौर कप्तान कई खास उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।